नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बीएससी सेकंड ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर चल रही थी, जिसका नाम है रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण, और यूनिट नंबर फर्स्ट इसमें अपन देख रहे थे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? लास्ट क्लास तक अपन ने लास्ट क्लास में कुछ दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करके देखी थी, ठीक है? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और करेंगे, ठीक है? थ्योरम्स का पार्ट अपना चल रहा है, जैसे ही थ्योरम्स का पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस इसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, किस प्रकार उनका सॉल्यूशन किया जाता है। तो एक बार थ्योरम्स का पार्ट अपन निपटाएंगे, उसके बाद किसका पार्ट देखेंगे अपन? क्वेश्चंस का पार्ट देखेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि आज वाली क्लास अपनी यूट्यूब के, यानी कि आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास अब आपकी फ्राइडे को होनी है, ठीक है? क्योंकि थर्सडे का अपना ऑफ रहता है, तो अगली क्लास अब आपकी किसको होनी है? फ्राइडे को होनी है। तो फ्राइडे वाली क्लास आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगी, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे आपकी दोनों क्लासें आई स्टडी ऑनलाइन की, मतलब इससे जस्ट आगे की जो दो क्लासें होगी वो अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर होगी, और यहाँ पे चलेगी फिर बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास यूट्यूब पे। तो एक बार देखना, जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन ऐप है वो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो आप आई स्टडी ऑनलाइन पे आओ, ऐप डाउनलोड करो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट नो पेपर आप पढ़ो वहां पे, क्या दिक्कत है? नो पेपर है सेकेंड ईयर में आपके, 3 फिजिक्स 3 केमिस्ट्री 3 मैथ, पूरे के पूरे पेपर आपको वहां मिलेंगे, ठीक है? कहने का मतलब वहां क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? रोज वहां क्लासें होती है, ठीक है? तो आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो, अपना स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पे जाएं, ठीक है? ऑप्शन पे जाने के बाद बीएससी सेकंड ईयर पीसीएम बैच 2019 उसको ज्वाइन करें, सॉरी 2020 उसको ज्वाइन करें, ठीक है? ज्वाइन करने के लिए एक ध्यान रखना, सर्वर चार्ज होता है, सर्वर हैंडलिंग चार्ज, यानी कि प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज, जो पूरा प्लेटफॉर्म हैंडल करता है उसका एक चार्ज होता है छोटा सा, जो 99 रुपये होता है, जो एक बार आपको पे करना होता है, ठीक है? जैसे ही आप 99 रुपये पे कर देते हो, आप अपने आप इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो। बैच में ज्वाइन होने के बाद आप कंप्लीट वीडियोज देख सकते हो, जो भी उसमें अब तक क्लासें हुई हैं, कंप्लीट का मतलब अब तक जितनी भी क्लासें हुई हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, वो सारी आपको वहां मिलेगी। और रोज आपकी क्लासें चलती हैं, एक फिजिक्स की क्लास होती है, एक केमिस्ट्री की क्लास होती है, एक मैथ की क्लास होती है, ना कोई ढूंढने में परेशानी होती है, ना कुछ और होता है, सारी की सारी क्लासें आपको सेपरेट मिलेगी एक अच्छी तरीके से, वेल सेटिस्फाइड तरीके से आपको हर एक क्लास मिलेगी। तो 99 रुपये कोई बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है? क्योंकि 99 रुपये मतलब एक पेपर के आप 11 रुपये पे कर रहे हो, 11 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कंप्लीटली फ्री, हमारी तरफ से ये फ्री है, हमारी तरफ से आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज है जो आपके लिए ऐप प्रोवाइड करवाया है, कंपनी के द्वारा जो चार्ज होता है वो लिया जाता है, ठीक है? जो क्योंकि ऐप आपको पता है थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उन चीज़ों के अनुसार ये जो कंपनी का चार्ज है वो आपको पे करना पड़ता है, जो प्लेटफॉर्म को हैंडल करने का चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ता है, बाकी हमारी तरफ से ये पूरा कंप्लीटली क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हम अब आगे बढ़ेंगे और अपनी थ्योरम के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है? हम थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि आगे वाली क्लास के लिए आई स्टडी ऑनलाइन ऐप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है? तो एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि थ्योरम सपन ने करके देखी तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर रखो। डेफिनेशन के लिए आप पूरा जो पीछे वाले अपने 6-7 क्लासें हुई हैं उन सबको बारीकी से देखो, स्कीप तो करने का प्रयास मत करना, 40-45 मिनट तो अपने लिए निकाल लो, बिजी आप रहते हो तो उसमें से 40 उस शेड्यूल उस आपने बिजी शेड्यूल में से 40-45 मिनट निकाल के हर एक मिनट को आप बारीकी से देखो। स्कीप करने का मतलब कोई ना कोई चीज स्कीप हो जाएगी, ठीक है? कि 40 मिनट कौन देख सी, फटाक से देख लो, 40 मिनट को वीडियो है, 5 मिनट में देख लियो, हाँ क्लास कंप्लीट कर ली, अरे क्लास के खटाऊ कंप्लीट कर ली, क्लास खटाऊ कंप्लीट कर ली, 40 मिनट की क्लास में 10 मिनट दी, मतलब उसमें बहुत चीजें आपने स्किप कर दी। 40 मिनट की क्लास है तो 40 मिनट पूरे दो उसको, ठीक है? क्योंकि वहां से आपको एक एक चीज पता चलेगी, ठीक है? पूरे का पूरा जो डेफिनेशन है वो तभी उसको आपका पोस्टमार्टम समझ में आएगा कि किस प्रकार से हुआ है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें नेक्स्ट थ्योरम की, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है? तो देखना, स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। द नेसेसरी एंड
द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस, फॉर ए सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, टू बी कन्वर्जेंट इज दैट, टू बी कन्वर्जेंट इज दैट इट इज बाउंडेड एंड हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि एक अनुक्रम को अभिसरित होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। आपको स्टेटमेंट कह रहा है एक अनुक्रम को अभिसरित होने के लिए पर्याप्त एवं आवश्यक शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है, अद्वितीय सीमा बिंदु है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से अब एक चीज देखना, ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि आपके पास एक सीक्वेंस है और वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कैसी दी हुई है, कन्वर्जेंट दी हुई है। तो उस सीक्वेंस को हमें कैसा दिखाना है, सबसे पहले बाउंडेड दिखाना है, उसके बाद हमें दिखाना है कि इस सीक्वेंस का जो सीमा बिंदु है, जो लिमिट पॉइंट है, वो कैसा है, यूनिक है। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने जो थ्योरम की थी वो थी कि सीमा यूनिक है, लिमिट यूनिक थी, यहां क्या यूनिक है, लिमिट पॉइंट यूनिक है। बोलो ये बात समझ, देखो बारीकी से समझने का प्रयास करो थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम में हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब अभिसारी है। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि अक्षन कैसा है, यानी कि जो सीक्वेंस अपन ने लिए वो कैसी है, बाउंडेड है। और साथ में हमें दिखाना है कि उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट आएगा ना, वो कैसा आएगा, अद्वितीय आएगा। ठीक है, तो देखना, तो देखो ये कॉमन सेंस वाली बात भी है। ठीक है, उस कॉमन सेंस को भी देख लेते हैं अपन कि अद्वितीय सीमा बिंदु क्यों होगा। अद्वितीय सीमा बिंदु इसलिए होगा क्योंकि हमें क्या दी हुई है, हमें सीक्वेंस कन्वर्जेंट दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट दी हुई है, मतलब अभिसारी दी हुई है, मतलब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी अक्सन बराबर क्या मिलेगी, एल मिलेगा। ठीक है, मतलब ये अभिसारी है, मतलब एन के ऊपर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, एन की तरफ क्या होगा, अभिसरित होगा, यानी कि एल को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये एल क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, एल क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं एल का एक नेबरहुड एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और एक्सएन बिलोंग्स टू, कहने का मतलब ये एम मिलने के बाद इस एक्सएन के अनंत पद इस सीक्वेंस में आ जाएंगे, मतलब सारे के सारे आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे उस एम के मिलने के बाद, एम के मिलने के बाद सारे पद इसमें आ गए। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि सीमा जो होती है वो सीमा बिंदु भी होता है, लेकिन सीमा बिंदु सीमा हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये एल इसकी सीमा थी। ठीक है, और इस एम से पहले, ठीक है, इस एम से पहले इस सीक्वेंस के कितने पद हैं, परिमित पद हैं, कितने हैं, परिमित है। फॉर एग्जाम्पल ये रियल नंबर लाइन देखो, देखो अपन इस थ्योरम का एक बार कॉमन सेंस देख रहे हैं, इसको हम अपने दिमाग से पता लगा रहे हैं कि एग्जैक्ट में क्या ऐसा होता है। तो दिमाग से अगर जब हम पता लगा लेते हैं तो हमारी थ्योरम इजीली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैंने नंबर लाइन ले ली, क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये मैंने क्या ले ली, नंबर लाइन ले ली, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से मान लो कोई सीक्वेंस है इस तरफ की, इस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, इस तरफ ये सीक्वेंस बढ़ रही है। बोलो आई बात समझ में? यहां ये नंबर है बहुत सारे, पता है नंबर लाइन है तो नंबर्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, ये नंबर्स है, मान लो एक नंबर मिला आपको, यहां कोई पॉइंट है एल, ये उसका लिमिट पॉइंट, ये उसका नेबरहुड है, ये एल का क्या है, नेबरहुड है। आपको यहां चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, एक मान लो नंबर मिला यहां एन।
ठीक है। उसके बाद अपनी डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे ये नंबर मिलता है इस सीक्वेंस xn के सारे पद इस नेबरहुड में आ जाते हैं, सारे के सारे पद कहां जाते हैं, इस नेबरहुड में आ जाते हैं। और इसमें ये कितने पद होते हैं, अनंत पद होते हैं। कितने पद होते हैं, अनंत पद होते हैं, क्योंकि जैसे ही m मिला, m के मिलने के तुरंत बाद, m के मिलने के तुरंत बाद सारे पद किस में आ जाएंगे, इस नेबरहुड में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी पद होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। कहने का मतलब इस तरफ कितने पद हैं, इस तरफ कितने पद हैं, फाइनाइट है। सीक्वेंस के कितने पद है, फाइनाइट है, क्योंकि m कैसा है मेरा, फाइनाइट है, m फाइनाइट है, तो m तक वैल्यू जितनी भी होगी वो सारी की सारी कैसी होगी, फाइनाइट ही तो होगी। ठीक है, फाइनाइट होगी, यानी कि अंदर कैसी आ गई, इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई। ये लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गई अपनी कहानी। ठीक है, बाहर कैसी है, फाइनाइट है, अंदर कैसी है, इनफाइनाइट है। तो एक चीज अपना खोपड़े को दिमाग में लगाते हैं, खोपड़ी को दिमाग में लगाते हैं तो अपने को पता चलता है कि सर जब सारे के सारे पद अनंत पद इसमें आ गए तो बाहर तो फाइनाइट बचे, बाहर फाइनाइट बचे तो यहां से और कोई इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। जब सारे के सारे पद इसमें समा गए, अनंत पद तो इसी में आ गए, अनंत पद इसमें आ गए तो बाहर कितने बचे, सर फाइनाइट ही बचे। क्या फाइनाइट से कोई और नेबरहुड बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये सर यही क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट भी होगा। ठीक है, यही क्या होगा, लिमिट पॉइंट भी होगा, जो कैसा होगा, यूनिक होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो अनंत पद कंटेन कर जाए। कहां से करेगा अनंत पद कंटेन, अनंत पद कंटेन करेगा कहां से, अनंत पद हो तब करेगा ना, क्योंकि जितने भी अनंत पद थे वो सारे के सारे तो ये एल ले गया, ये एल ले गया तो बाहर तो सिर्फ कितने बचे, फाइनाइट बचे, फाइनाइट बचे तो और कोई होगा इसका सीमा बिंदु, तो वो अनंत पद कहां से कंटेन करेगा, कंटेन करेगा नहीं तो सिर्फ कौन होगा, यही होगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अगर अनुक्रम अभिसारी है, अभिसारी है तो उसकी सीमा कैसी होती है, अद्वितीय होती है। अब कहोगे सर ये परिबद्ध वाला तो रह गया, ये तो बताया नहीं, ये बता दिया था लास्ट क्लास में कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है। लास्ट क्लास में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। तो एक पार्ट तो यहां से प्रूफ हो जाता है, ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो विलोम पार्ट भी अपन करेंगे, पहले इस थ्योरम को अपनी कि एग्जाम में किस प्रकार इसको करते हैं वो रूप भी हम देख लेते हैं। देखो ये चीजें कोई रूप देखने की जरूरत नहीं है, बुक से मत पढ़ो, रियल एनालिसिस बुक से पढ़ो, लेकिन बुक का कंसेप्ट आपको थोड़ा डीपली जाओगे तब समझ में आएगा, बुक से इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बुक से पढ़ने की बजाय आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस रखो। ठीक है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस रखो। ठीक है, लैंग्वेज खुद की बनाओ, इसमें थ्योरम को प्रूफ। अब जब थ्योरम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि हाँ यार इस प्रकार से हो रहा है, तो उसी लैंग्वेज को आप यहां काम में लो। ठीक है, उसी लैंग्वेज को आप पेपर में काम में लो तो आपका काम इजी हो जाएगा। बस दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है कि रियल एनालिसिस, पता नहीं क्या है, अरे कुछ भी नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी होती है ये। ठीक है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा था उससे ये एक इजी रहता है, इसका पार्ट इजी क्यों रहता है, क्योंकि एक बार अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो थ्योरम्स में कुछ भी नहीं है। और डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी अब तक, तो नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा लेक्चर्स देखो। ठीक है, दोबारा लेक्चर्स देखोगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट एज इट इज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ हम करते हैं। तो देखना, माना xn अभिसारी अनुक्रम है, xn अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तब हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है कि नंबर एक xn परिबद्ध है, इसका मतलब बाउंडेड है। ठीक है, कैसा है, बाउंडेड है। नंबर दो कंडीशन, xn का अद्वितीय सीमा बिंदु है यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट है।
कैसा लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया सभी स्टूडेंट को, मतलब ये तीन चीजें हमें दीवी है। अब सिंस हम जानते हैं प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, अतः हम कहेंगे एक्शन परिबद्ध है। ठीक है, ये थ्योरम अपने लास्ट क्लास में की थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, परिबद्ध होता है, अतः एक्शन कैसा है, परिबद्ध है। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। अब अपन चलते हैं नंबर दो का प्रूफ करने। ठीक है, नंबर दो का अपन प्रूफ करते हैं कि सर एक्शन का सीमा बिंदु कैसा है, यूनिक है। अभिसारी हमें दिया हुआ है, सिंस अनुक्रम एक्शन अभिसारी अनुक्रम है, इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो आई बात समझ में, कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोलो ये बात समझ में आई। यहां से एक चीज देखना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसका मतलब एक्शन एल पे क्या होगा, कन्वर्ज होगा, मतलब एल पे क्या होगा, अभिसरित होगा। यानी कि एल क्या ले लेता हूं, इसका लिमिट ले लेता हूं। यानी कि माना अब कन्वर्जेंट है मतलब इसकी लिमिट होगी। इसकी लिमिट कैसी होगी, फाइनाइट होगी, मतलब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बराबर हमें क्या मिलेगा, एल मिलेगा, जो कैसा होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा। माना एक्स एन की सीमा यानी कि लिमिट एल है, अर्थात हम क्या कहेंगे कि सर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन बराबर कैसा है, एल है। क्यों, क्योंकि एक्शन कैसा है, कन्वर्जेंट है, यानी कि अभिसारी है। तो ये कंडीशन अपन लिखेंगे, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और ये कैसा है, फाइनाइट मिलता है हमें। ठीक है, ये कैसा मिलता है, फाइनाइट मिलता है, इनफाइनाइट नहीं है, ध्यान रखना। इनफाइनाइट होगा तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैसा है, फाइनाइट है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में। अब सीमा की परिभाषा लगा देते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो लिमिट की परिभाषा क्या कहती है हमें कि सर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तब हम कहते हैं कि एक्सएन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। बोलो आई बात समझ में यहां तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर हमें मिलेगा एम, एक नंबर एम हमें मिलेगा, उसके बाद इस सीक्वेंस के सारे पद इस एल के नेबरहुड में क्या कर जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। मतलब बाहर कितने बचेंगे, इस नेबरहुड के बाहर सिर्फ फाइनाइट पद रहेंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि xn बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। बोलो ये बात समझ में आई। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अतः l माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के प्रतिवेश में यानी कि नेबरहुड में ये अंतराल है, प्रतिवेश तो एल ही होता। ठीक है, में अतः एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है, में अनंत पद विद्यमान है जब एन का मान एम से बड़ा हो। यह अनंत पद विद्यमान कब है, जब यह एन का मान मेरा एम से बड़ा हो, तब क्या है, अनंत पद विद्यमान है। अनंत पद विद्यमान है इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि यह भी तो कह सकता हूं कि एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के प्रतिवेश में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है, चाहे ये कंडीशन ना भी लिखूं, क्योंकि वैसे भी आपको दिख रहा है कि इसके प्रतिवेश में क्या है, एल पद तो विद्यमान है ही। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो मैं क्या कहूंगा, अतः ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, अतः ये लिखने की जरूरत नहीं, अतः एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, कितने पद विद्यमान है, अनंत पद विद्यमान है। अनंत पद विद्यमान है तो ये डेफिनेशन अब किसकी हो गई, जब मैंने ये वाली कंडीशन हटा दी तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, लिमिट पॉइंट की हो गई। अतः एल एक्सएन का सीमा बिंदु है,
अतः एल क्या हो गया, एक्सएन का सीमा बिंदु हो गया। तो यहां तक समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को, क्योंकि लिमिट है तो वो उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट भी होगा। बोलो आई बात में, लिमिट है तो वो क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। बोलो आई बात में, तो लिमिट पॉइंट तो हमें मिला, लेकिन ये नहीं मिला अभी तक कि ये लिमिट पॉइंट यूनिक है। अब हमें इस लिमिट पॉइंट को यूनिक भी दिखाना है, कहने का मतलब इसके अलावा कि इसका और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि इसकी लिमिट तो एल आ गई, लिमिट पॉइंट तो एल आ गया। एक बार मैं दोबारा इस पूरी थ्योरम को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सएन कैसी दी हुई है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी हुई है। शो कैसा करना है, इसको बाउंडेड करना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, बाउंडेड होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कैसा होता है, बाउंडेड होता है। अतः यहां से बाउंडेड तो हो गया। नंबर दो कंडीशन, एक्सएन का अद्वितीय सीमा बिंदु होता है, ठीक है। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो मैं मान, सिंस हमें दिया हुआ है एक्सएन कैसा है, अभिसारी है, अभिसारी है मतलब इसकी लिमिट होगी, तो वो लिमिट मैंने ले ली एल, ठीक है, वो लिमिट ले ली मैंने L। तो डेफिनेशन लगा दूंगा लिमिट की, जो ये कहती है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस L के प्रतिवेश में इस xn के अनंत पद विद्यमान है, जब ये कंडीशन हो। तो ये वाली कंडीशन मैंने लिख दी। अब मैं इसको हटा देता हूं, इस कंडीशन को हटा देता हूं, तब भी कंडीशन तो सही है कि L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन में xn के अनंत पद तो विद्यमान है ही, अतः L xn का क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया। क्योंकि सीमा बिंदु की परिभाषा क्या कहती है कि L के प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान होने चाहिए और इसको कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह कंडीशन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बस इसी चीज से मतलब है कि xn के अनंत पद होने चाहिए L के प्रतिवेश में, तब वो L क्या होता है, उसका सीमा बिंदु होता है। बोलो आई बात समझ में, तो यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट पॉइंट हमें L मिला, लेकिन अब हम ये दिखाएंगे कि ये लिमिट पॉइंट कैसा है, यूनिक है। इसके लिए मैं मान लेता हूं इसके दो सीमा बिंदु हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं xn के दो सीमा बिंदु हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या दिखाएंगे, दोनों को, एक को गलत दिखा देंगे और एक बच जाएगा। फिर तो देखना, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से हम कहेंगे माना xn के, यदि संभव हो तो माना, इस प्रकार लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना xn के दो सीमा बिंदु है, xn के दो सीमा बिंदु L व L डेस है। बोलो आई बात समझ में, जो किस प्रकार से L नॉट इक्वल्स टू L डेस, दोनों इक्वल नहीं है, ये कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है। यहां से मैं क्या कहूंगा, यहां से सबसे पहले मैं लेता हूं L, अगर इसका सीमा बिंदु है तो, ठीक है, यदि L xn का सीमा बिंदु है तो, ठीक है, L इस xn का सीमा बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, वही लाइन वापस लिख रहे हैं कि L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन के में xn के अनंत पद विद्यमान है, xn के अनंत पद विद्यमान है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये लाइन समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। और साथ में हमें एक कंडीशन इसके ये भी दी हुई है, जब n ग्रेटर देन कैसा हो, m हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। यहां से आगे देखना, मैं क्या कहूंगा कि L माइनस एप्सिलॉन के RHS में xn के अनंत पद विद्यमान है जब m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन m हो। अब सर ये क्या RHS LHS वाली क्या कहानी आ गई, तो इसको देखो एक बार, ये कहना क्या चाह रहा है, ये तीन चार लाइनें हैं, यहीं से हमारी थ्योरम पूरी कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। ये मैंने नंबर लाइन ले ली, ठीक है, ये मैंने क्या ले ली, नंबर लाइन ले ली। ये यहां मैंने इसका लिमिट पॉइंट L ले लिया, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, इसका लिमिट पॉइंट L ले लिया।
बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये हमने इसका लिमिट पॉइंट एल ले लिया। तो यहां से देखना, ये इसका प्रतिवेश हो गया एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। बोलो आई बात समझ में? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है एल, ये पहले तो ये देखो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में एक्स एन के अनंत पद विद्यमान है जब एन का मान ग्रेटर देन, मुझे मान लो एम यहां मिल गया, मुझे मान लो m यहां मिल गया, तो आप देख सकते हो इसके बाद इस xn के सारे पद इस प्रतिवेश में है, मतलब कितने अनंत हैं। बोलो आई बात समझ में? उसके बाद ये कह रहा है l माइनस r l माइनस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन कहां है? यहां है। ठीक है, ये वाला कौन सा है l माइनस एप्सिलॉन? इसके RHS में इसका RHS कौन सा है? ये वाला है इसका RHS। ठीक है, l माइनस एप्सिलॉन का RHS कौन सा है? ये वाला है। इसके RHS में xn के अनंत पद विद्यमान आपको दिख रहे हैं, l माइनस एप्सिलॉन के RHS में इस xn के अनंत पद विद्यमान है जब n का मान क्या हो, m से बड़ा हो। बोलो ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, तो यही तो चीज लिखिए। इसी प्रकार मैं लिखूंगा तथा l माइनस एप्सिलॉन के LHS में xn के परिमित मान, परिमित मान यानी कि m विद्यमान है। अब देखो यहां क्या मिला था, यहां m मिला था, यहां क्या मिला था, m मुझे मिला था, m मुझे मिला था, तो ये तो इसकी l माइनस एप्सिलॉन की RHS हो गई, ये l माइनस एप्सिलॉन की LHS हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई LHS, ये क्या हो गई RHS, यहां m है मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, यहां से अगर कोई सिक्वेंस स्टार्ट होती है तो यहां से लेकर यहां तक इस सिक्वेंस की वैल्यू कितनी है m, यहां से एक दो डैश डैश चलता जा रहा है, यहां m, m कैसा है फाइनाइट, मतलब ये सारी वैल्यू कैसी है फाइनाइट, यानी कि l माइनस एप्सिलॉन के RHS में कितनी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, यही चीज लिखी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसी प्रकार थोड़ा और आगे चलते हैं, नंबर तीन में बात करता हूं एल प्लस एप्सिलॉन की। ठीक है, अब आओ एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन की भी दो साइड है, एक तो ये तो कौन सी है, इसकी LHS साइड है। ठीक है, और ये साइड इसकी कौन सी है, RHS साइड है। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आप देखो कि L प्लस एप्सिलॉन के LHS में xn के कितने पद हैं, अनंत पद हैं, कब, जब m का मान n से बड़ा हो, सॉरी n का मान m से बड़ा हो, है कि नहीं है? बोलो आई बात समझ में? तो यही कंडीशन हम यही लिखते हैं कि L प्लस एप्सिलॉन के LHS में। ठीक है, इसी प्रकार में इसको मिटाऊंगा, अब इसी में एक चीज एक लाइन और समझ लो कि ये L प्लस एप्सिलॉन का प्रतिवेश था, ये L प्लस एप्सिलॉन का प्रतिवेश यहां तक था। ठीक है, L प्लस एप्सिलॉन, इसके LHS में ये कितने पद हैं, अनंत पद हैं, लेकिन इसके RHS में बाहर की तरफ तो कैसे हैं, फाइनाइट ही है। इस बार सीक्वेंस इधर से मान लो, सीक्वेंस कहां से मान लो, यहां से मान लो, मतलब यहां m मिला, यहां m मिला तो इस तरफ कितने पद हो गए, फाइनाइट हो गए, इस तरफ कितने हो गए, फाइनाइट, मतलब l प्लस एप्सिलॉन के LHS में तो अनंत हैं, लेकिन इसके RHS में कैसे हैं, परिमित है, मतलब फाइनाइट है। इसी प्रकार इस l माइनस की बात करें तो इसके RHS में तो कितने हैं, अनंत है, लेकिन LHS में कितने हैं, फाइनाइट है। यही कंडीशन है LHS RHS की। तो बुक में जब आप ये कंडीशन समझने बैठोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस थ्योरम को अपन पूरा ओपनली पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरम को पूरा ओपन करके आपको समझाया कि पूरी की पूरी थ्योरम समझ में आ जाए कि कहानी क्या थी ये। तो ये कहानी आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो क्लियर है सभी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखना, एल प्लस एप्सिलॉन के LHS में xn के अनंत पद विद्यमान है जब n ग्रेटर देन m हो। इसी प्रकार l प्लस एप्सिलॉन के RHS में xn के परिमित मान कितने, m विद्यमान है। बोलो ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। ठीक है, यहां से इसको कोई इक्वेशन नंबर एक नाम में दे दूंगा क्योंकि आगे हम काम में लेंगे। ठीक है, आगे हम क्या लेंगे, काम में लेंगे। अब सिंस मुझे दिया हुआ है, सिंस मैंने माना था कि एल नॉट इक्वल्स टू एल डेस है। बोलो आई बात समझ में? एल नॉट इक्वल्स टू क्या है, एल डेस है। यहां से मैं लिख सकता हूं एल माइनस एल डेस
इक्वल्स टू टू एप्साइलिन, ठीक है। मैं मान लेता हूँ नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, इधर आएगा तो एल माइनस एल डैश नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एप्साइलिन के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? टू एप्साइलिन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि एल माइनस एल डैश बराबर एप्साइलिन प्लस एप्साइलिन। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? यहां से एप्साइलिन को उधर ले आता हूं, एल डैश को इधर ले आता हूं, तो देखना एल माइनस एप्साइलिन बराबर एल डैश प्लस एप्साइलिन। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? ये एल माइनस एप्साइलिन, ये एल डैश प्लस एप्साइलिन। बोलो यहां तक ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को? इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर दो नाम दे देता हूं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक? अब माना यदि एल डैश एक्स एन का सीमा बिंदु हो, तो अब माना अगर एल डैश इस एक्स एन का क्या हो, सीमा बिंदु हो, तो हम क्या कहेंगे कि सर एल डैश अगर इस एक्स एन का सीमा बिंदु है, इसका मतलब कि एल डैश माइनस एप्साइलिन एल डैश प्लस एप्साइलिन में एक्स एन के अनंत पद विद्यमान होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। बोलो आई बात समझ में सभी स्टूडेंट को यहां तक? क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए नंबर लाइन बनाओ। एल डैश माइनस एप्साइलिन के लिए नंबर लाइन बनाते हैं, इसके लिए मत बनाओ, हम बनाते हैं एल डैश प्लस एप्साइलिन के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बराबर में कौन आया था, एल डैश प्लस एप्साइलिन आया था, तो बनाते हैं, ठीक है। एल डैश प्लस एप्साइलिन के लिए नंबर लाइन हम बनाते हैं, तो यहां से देखना ये मैं यहां एल डैश ले लेता हूं, ठीक है। ये एल डैश माइनस एप्साइलिन, ये एल डैश प्लस एप्साइलिन। बोलो आई बात समझ में? ये नंबर लाइन यहां तक पूरी हो गई, ठीक है। ये बीच में एल ले लिया और ये इस एल का प्रतिवेश ले लिया, नेबरहुड ले लिया। बोलो आई बात समझ में? यहां से आपको दिख रहा है कि इस एल प्लस एल डैश प्लस एप्साइलिन के एल एच एस में, इसके एल एच एस में अनंत पद विद्यमान है, आपको दिख रहा है? बोलो आई बात समझ में? इसमें कितने पद विद्यमान है? अनंत पद विद्यमान है। यह बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? यानी कि सिंस एल डैश प्लस एप्साइलिन के एल एच एस में एक्स एन के अनंत पद विद्यमान है, अनंत पद विद्यमान है। बोलो आई बात समझ में? लेकिन एक चीज आप यहां से देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एल डैश प्लस एप्साइलिन के एल एच एस में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है, तो सर एल माइनस एप्साइलिन के प्रतिवेश में भी एल इतने ही होने चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर इसके एल एच एस में अनंत पद विद्यमान है, तो इसके एल एच एस में भी अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। लेकिन सर यहां इक्वेशन नंबर एक में लिखा है कि एल माइनस एप्साइलिन के एल एच एस में तो परिमित ही है, लेकिन सर यहां अपरिमित आ रहे हैं, ठीक है। यहां इन्फाइनाइट आ रहे हैं, लेकिन वहां फाइनाइट ही आ रहे थे। इसका मतलब विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो गया। मतलब हमारा जो मानना था कि इसके दो सीमा बिंदु हैं, वो गलत है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका सिर्फ एक ही सीमा बिंदु है, और वो कौन है, एल है। यही अपनी इस थ्योरम की कहानी थी। बोलो आई बात समझे? तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अतः बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड एल माइ इस सेकेंड से, अगर इसमें अनंत पद विद्यमान है, तो इसके एल एच एस में भी अनंत पद विद्यमान होंगे। बाई इक्वेशन सेकेंड एल माइनस एप्साइलिन के एल एच एस में एक्स एन के अनंत पद विद्यमान होंगे। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? मिटा देते हैं इसको, ठीक है। पूरी थ्योरम समझ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे देखना, यहां से मैं एक्स एन के अनंत पद विद्यमान है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं क्या लिखूंगा कि सर इसको इक्वेशन नंबर तीन नाम देते हो, चार तीन तक आ गई, तो देखो इक्वेशन तीन इक्वेशन एक का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारा मानना कि एक्स एन के दो सीमा बिंदु है, एक्स एन के दो सीमा बिंदु है, गलत है। क्या है? गलत है।
अतः अक्षैण का अद्वितीय सीमा बिंदु होगा, अद्वितीय सीमा बिंदु होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये आपकी थ्योरम थी, इस थ्योरम का एक पार्ट यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। बोलो आई बात समझ में? तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी और काफी शानदार थ्योरम थी। ये सारी की सारी चीजें एक बार दोबारा आप रिवर्स करके वीडियो को जरूर समझने का प्रयास करना, तो पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इसके कन्वर्स पार्ट की प्रूफ अब बात करते हैं। ठीक है, अब देखना विलोमतः है, विलोमतः यानी कि कन्वर्सली। तो इसमें देखना सिंस अब हमें दिया है एक्सएन परिबद्ध अनुक्रम है तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है, तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है, हमें सिद्ध करना है कि सर एक्सएन अभिसारी अनुक्रम है, एक्सएन अभिसारी अनुक्रम है, अर्थात एक्सएन एल पर कन्वर्ज होता है। ठीक है, एक्सएन क्या होता है, एल पर कन्वर्ज होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसका जो अद्वितीय सीमा बिंदु है वो मैं मान लेता हूं। ठीक है, माना वह अद्वितीय सीमा बिंदु L है। बोलो ये बात समझ में? अद्वितीय सीमा बिंदु क्या है, L है। अतः मैं क्या कह सकता हूं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं कह सकता हूं एक्सएन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब हर एक एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। बोलो आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में एक्सएन के अनंत पद हैं। ठीक है, एक्सएन के कितने पद हो गए, अनंत पद हो गए। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि अतः मैं क्या कहूंगा कि इसके अंदर परिमित पद नहीं है, अतः L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन में एक्सएन के परिमित पद नहीं है। ठीक है, अब परिमित पद बाहर नहीं है, अंदर नहीं है, तो परिमित पद कहां होंगे, बाहर होंगे। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, माना उन परिमित पदों की संख्या m है, मतलब m कितने कैसी है, बाहर है, परिमित पद कैसे हैं, बाहर है। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अतः l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन में xn के m पद विद्यमान नहीं है, एम पद विद्यमान नहीं है। ये एम पद अगर इसके अंदर विद्यमान नहीं है तो बाहर विद्यमान है, अतः एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है जब n का मान ग्रेटर देन इक्वल हो m के। ठीक है, क्योंकि m के बाद ही कैसे है, अनंत है, क्योंकि m पद तो है नहीं, m पद तो बाहर है, तो यानी कि जब n का मान m से बड़ा हो तब विद्यमान है। ठीक है, और यही किसकी डेफिनेशन होती है, लिमिट की होती है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि xn बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, यही किसकी डेफिनेशन होती है, सीमा की। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l, अतः xn l पे क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ठीक है, अतः xn l पे कन्वर्ज होता है, तो ये कैसा है, अभिसारी अनुक्रम है। और एक चीज सोचने वाली बात भी है कि अगर आपको लिमिट पॉइंट यूनिक दिया है, ठीक है, अगर आपको लिमिट पॉइंट यूनिक दिया हुआ है, इसका मतलब कि एक ही प्रतिवेश है, ऐसा
एक ही प्रतिवेश ऐसा है जो अक्षयन के अनंत पदों को कंटेन कर जाएगा। दो लिमिट पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि अक्षयन के दो ऐसे दो प्रतिवेश है जिसमें अक्षयन के अनंत पद आ रहे हैं। तीन लिमिट पॉइंट होने का मतलब तीन ऐसे प्रतिवेश हैं जिसमें अक्षयन के अनंत पद आ रहे हैं। यहां एक ही है, मतलब उस एक ही प्रतिवेश में अक्षयन के अनंत पद आ गए। अनंत पद आ गए तो बाहर कितने बचेंगे? परिमित ही बचेंगे। वो परिमित मैंने एम ले लिए, तो कहने का मतलब अनंत मान कब आएंगे? जब एन का मान उस एम से बड़ा हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया? ये एल पर कन्वर्ज हो गया। एल पर कन्वर्ज हो गया तो सिक्वेंस कैसी हो गई? मेरी अभिसारी हो गई। यही हमें सिद्ध करना था। तो चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। 1,00,000 तक का आपको टारगेट बताया, उसको जरूर पूरा करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।